नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बोरा। दोस्तों आज हम आपको पैरों में स्वेलिंग यानी सूजन की समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठे रहने के कारण भी पैरों में स्वेलिंग आ जाती है और टाइट जूते पहनने के कारण भी शरीर में स्वेलिंग आ जाती है और शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सही प्रकार न हो पाने के कारण भी हमारे हाथ पैरों में स्वेलिंग आ जाती है और कुछ व्याधि विशेष की स्थिति में जैसे जिन लोगों को हृदय संबंधी या किडनी संबंधी समस्या होती है या थायराइड मधुमेह जैसी समस्या होती है इसके कारण भी स्वेलिंग हाथ पैरों में स्वेलिंग आ जाती है। दोस्तों स्वेलिंग की समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहले आप अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत कीजिए। स्वेलिंग की समस्या को दूर करने के लिए आप कपालभाति प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम को नियमित 15 से 20 मिनट सुबह के समय और शाम के समय अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए और कुछ योगाभ्यासों को भी कीजिए। सबसे पहले हम कुछ सूक्ष्म अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे ही दंडासना की पोजीशन पर ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे बैठ जाते हैं और ऐसे अपने पैरों की उंगलियों को श्वास अंदर भरते हुए ऐसे पीछे करते हैं, अपनी पैरों की उंगलियों को ऐसे बिल्कुल तान लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी पैरों की उंगलियों को आगे की तरफ करना होता है। श्वास अंदर भरते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए आगे, ऐसे ही अपने पैरों की उंगलियों को 8 से 10 बार अप डाउन कीजिए और फिर इसके बाद श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पंजों को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें और श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल एक्सहेल ऐसे ही 8 से 10 बार करने के बाद फिर ऐसे अपने पंजों को गोल गोल घुमाते हैं। दोस्तों इन अभ्यासों को करने से हमारे पैरों में दर्द सूजन जैसी समस्या दूर होती है और हमारा शरीर को रिलैक्स मिलता है और फिर इसके बाद अपने घुटनों को ऐसे अप डाउन करते हैं और फिर इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं, ऐसे अर्ध पद्मासना की पोजीशन पर ऐसे आते हैं और अपने एक हाथ से ऐसे अपने अंगूठे को ऐसे अपने घुटने को ऐसे पकड़ लेते हैं और दूसरे हाथ से ऐसे अपने पैर के पंजे को ऐसे पकड़ लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपनी छाती पर लगाने की कोशिश करें, कुछ देर रुकें और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने घुटने को जमीन पर स्पर्श कराइए। ऐसे ही अपने पैर को 8 से 10 बार अप डाउन करते हुए कीजिए और फिर दूसरे पैर से। और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे सीधे कर लेते हैं। इसके बाद हम करेंगे बटरफ्लाई पोज। आपने अपने दोनों पैरों के तलवों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और फिर ऐसे अपने हील को ऐसे अपने पेल्विक एरिया के समीप ऐसे लगा लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने पंजों के पास ऐसे रख लेते हैं और फिर ऐसे अपने घुटनों को ऊपर लाते हैं और ऐसे अपने घुटनों को जमीन पर स्पर्श कराते हैं और इस स्थिति में ध्यान रहे आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। जब भी आपके पैरों में दर्द या थकान जैसी समस्या उत्पन्न हो जाए आप इस बटरफ्लाई पोज को नियमित 2 से 5 मिनट प्रैक्टिस करें। यह अभ्यास हमारे शरीर के जोड़ जोड़ों में दर्द और अकड़न की समस्या को भी दूर करता है। और फिर ऐसे आपने सीधे बैठ जाते हैं और फिर लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं, अपनी कोहनियों को जमीन पर स्पर्श कराइए और अपने सिर को ऐसे जमीन पर स्पर्श करा लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए सीधे ऐसे ही इस बद्ध कोणासना को भी आप अप डाउन करते हुए कम से कम 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। अब हम कंपास पोज को बहुत ही आसान तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। यह अभ्यास हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है और यह अभ्यास हमारे हाथ पैरों के दर्द थकान को भी दूर करता है। यह एक बहुत ही अच्छा हिप ओपनर अभ्यास है। इसे हम बहुत ही आसान तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही दंडासना की पोजीशन पर आपने बैठ जाना है और फिर अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने हाथ से ऐसे अपने राइट पैर के पंजे को ऐसे पकड़ लेते हैं और अपने हाथ को ऐसे जमीन पर ऐसे रख लेते हैं और ऐसे अपने पैर को बिल्कुल सीधा करने की कोशिश करते हैं, पंजा ऐसे ऊपर की तरफ तना हुआ हो और फिर ऐसे अपने हाथ को ऐसे जमीन पर रखते हुए ऐसे अपने सिर को ऐसे अपने घुटने के समीप लाने की कोशिश करें और ऐसे अपोजिट साइड आपने देखना है। कम से कम 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं।
और फिर नीचे। ऐसे ही इस अभ्यास को दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही इस अभ्यास को लेफ्ट राइट साइड से 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। अपने ऐसे दंडासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाना है। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और श्वास छोड़ते हुए ऐसे पश्चिमोत्तानासना की पोजीशन पर आते हैं। फिर